नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। आज हमें क्या करना चाहिए, कितने बजे कहाँ अपनी नज़र बनाई रखनी चाहिए, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट लेकर आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। हमने कल के ही वीडियो में बता दिया था कि मंडे के दिन आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जिन्स फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बनता है और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में लेटेस्ट अपडेट हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में आज हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने फ्राइडे के दिन जो डेटा एनालिसिस बताया था उसमें हमने पाया था कि फ्राइडे के दिन 40 लाख की सेलिंग प्रेशर कम हो चुकी है और वो सेलिंग प्रेशर कम हुई है रिटेल इन्वेस्टर की। तो दोस्तों, दो दिन जब सेबी का वो फाइनेंशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट का दोस्तों नोटिफिकेशन सामने आया, उसके बाद तुरंत ही इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगना चालू हो गया था और 1,80,00,000 की लोअर सर्किट एनएससी पे दो दिन चली। लेकिन तीसरे दिन मार्केट में जिस तरह की न्यूज़ फैलाई जा रही थी, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर का ट्रस्ट अभी भी इसी स्टॉक के साथ है और उस हिसाब से उस स्ट्रेटेजी से सभी रिटेल आगे बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और फ्राइडे के दिन 40 लाख की सेलिंग क्वांटिटी कम होना एक अपने आप में एक अच्छी बात है। और दूसरी जो टर्निंग पॉइंट हुआ था फ्राइडे के दिन, यदि उसके बारे में हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। दूसरे फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन में जो 1 करोड़ की बड़ी डील हुई थी, ये दो पॉजिटिव बात फ्राइडे के दिन निकल कर सामने आई थी। तो ऐसे में अब मंडे पे आज क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको कहाँ नज़र रखनी है और कैसे तय होगा कंपनी का फ्यूचर, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्राइडे के दिन जिस तरह का प्री ओपनिंग सेशन में पहली 30 सेकंड में ही 1 करोड़ की सेलिंग क्वांटिटी हमें देखने को मिली थी, तो आपको प्री ओपनिंग सेशन में 9:01 पे अपनी नज़र बनाए रखनी है। तो यदि दोस्तों प्री ओपनिंग सेशन में पहली 1 मिनट में ही 1 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग प्रेशर आ जाती है तो वो बड़े इन्वेस्टर की ही होगी, और यदि वो बड़े इन्वेस्टर की होगी और रिटेल इन्वेस्टर अभी होल्डिंग जारी रखना चाहते हैं, ये 99% के ओपिनियन पोल में हमें पाया है। ज़्यादातर किस्सों में ऐसा देखा गया है कि अभी होल्डिंग्स पर रहना ज़्यादातर इन्वेस्टर का मानना है, क्योंकि आगे 15 मार्च इसकी बोनस की एक्स डेट भी है और जिस तरह का इस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है उस हिसाब से यदि देखा जाए तो दोस्तों इस कंपनी पे अभी भी ट्रस्ट बनता है। यदि सेबी को कुछ गलत लगता है तो वो डाउट भी क्लियर हो जा सकता है, क्योंकि कंपनी अभी गलत साबित नहीं हुई है और उस हिसाब से हमें वेट करना चाहिए वो सेबी की रिपोर्ट के बाद। सेबी के रिपोर्ट के बाद यदि कंपनी में कुछ पाया जाता है घोटाला तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, और यदि नहीं दोस्तों तो इस कंपनी जैसा रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में नहीं मिलेगा, ये बात 100% श्योर लिख ले, क्योंकि आज तक हमने ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जितना प्रॉफिट पाया है शायद हमारे पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक ने नहीं दिया। ऐसे में हमारा ट्रस्ट अभी भी ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ है। और अब जैसे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग सेशन में बड़ी डील हुई तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपको पता नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, पोस्ट प्री ओपनिंग सेशन होती है 9 बजे से लेके 9:07 तक और पोस्ट क्लोजिंग सेशन होती है दोस्तों 3:40 से लेके 4 बजे तक की 20 मिनट प्री पोस्ट क्लोजिंग सेशन होती है, और ज़्यादातर किस्सों में ये सेशन एक्टिव नहीं रहता, प्री ओपनिंग सेशन ही एक्टिव रहता है। पोस्ट क्लोजिंग सेशन में आप CNC ऑर्डर ही लगा सकते हैं, यानी कि डिलीवरी में ही माल उठा सकते हैं।
तो फ्राइडे के दिन ब्राइटकॉम ग्रुप में 1 करोड़ का माल उठाया गया था, वो आपने वीडियो देख ही लिया होगा यूट्यूब पे। लेकिन मंडे के दिन क्या होता है, तो प्री ओपनिंग सेशन पे नज़र बनाए रखें और पोस्ट क्लोजिंग सेशन पे भी अपनी नज़र बनाए रखें। तो दोस्तों जैसे ही मंडे के दिन, आज के दिन यदि कुछ बड़ी चेंज होती है तो आज ही हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। इस कंपनी में क्या कुछ चल रहा है, वेट एंड वॉच, मार्केट कितने बजे ओपन होता है, क्या कुछ लेकर आता है, आज का मार्केट कहां तक जाता है, उसके बाद तय होगा इस कंपनी का फ्यूचर भी और हमारे पोर्टफोलियो के रंग भी, या रेड होगा या ग्रीन होगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।